Dr. Novena Sheikh. Thank you so much for this honor. Dr. Sheikh, आपको बहुत बहुत बार और आपकी जो ये कोशिश है ये सराहनीय है. बहुत आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं. आई जस्ट लाइक टू से होल्डिंग दिस अवार्ड इन माय हैंड दैट इट्स सरप्राइजिंग, आई मीन नॉट सरप्राइजिंग, आई वुड से आई थिंक इन बिग सिटीज वुमेन आर ब्लॉसमिंग, दे आर डूइंग ग्रेट स्टफ, ग्रेट वर्क. They're getting recognition, but unfortunately in our small towns, villages, अभी भी ये प्रथा है कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना, लड़कियों को क्यों कुछ करने देना, you know? So it's sad, but I just want to give my example. I just want to say that if my parents were not with me, I would never have done what I have done. I was a lazy, unambitious girl who was really pushed into this by my parents, and I'm so happy that they did it. So I'd just like to say that all parents must give that kind of support and encouragement to their daughters, irrespective of गांव के हो चाहे टाउन के हो चाहे सिटी के हो. अगर ये मौका पेरेंट्स देंगे और पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो इट गो अ लॉन्ग वे. एंड I just request all you parents to please support your girls and boys alike, equally. Had my parents not supported me, I wouldn't be here holding this award. So give a chance to your daughters, let them do you proud. ऐसा उसको कुछ करने दीजिए, उनको कुछ करने दीजिए कि आपको उन पर भी नाज हो. Thank you so much. Sati Sharma, नदी और तार जिसे बांध ना सके, मौसम की मार का जिस पे असर ना हुआ, खुद महासागर ने जिससे हार मान ली, ऐसी जबरदस्त तैराक को जब भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया तो पूरा देश वाह वाह कर उठा. 2.5 साल की उम्र से तैराकी सीखने वाली इस भारतीय जल परी को आज नाज सलाम करता है. तीस किलोमीटर प्रति घंटे से चलती तेज बर्फीली हवाओं से जूझकर, कंधे पे 80 किलोग्राम का सामान लेकर लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा तय करना असंभव सा लगता है, लेकिन हमारी इस भारतीय पर्वतारोही ने सन 2010 में इसे पूरा किया और अपना ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया. इस जुझारू पर्वतारोही को नाज का सलाम. ज्योत्सना सूरी, भारत की सबसे प्रभावशाली महिला उद्यमी में शुमार ज्योत्सना सूरी आज देश के एक बड़े होटल चेन की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. ये इतना आसान नहीं था. एक आकस्मिक दुर्घटना के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी पड़ी, लेकिन उनके कड़े परिश्रम और लगन ने आज उन्हें कामयाबी के मुकाम पर ला खड़ा किया है. एक बेहद अनुशासित जीवन शैली से चलने वाली और होटल चेन को संभालने के साथ साथ आज फिक्की की प्रेसिडेंटशिप भी संभालने वाली ज्योत्सना जी पर देश और नाज को फक्र है. Thank you.
न सिर्फ सेल्फ डिफेंस बल्कि उन्होंने कई सारी गरीब लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए आश्रय दिया और सारी सहूलियतें प्रदान करी। उनके इस काबिले तारीफ काम के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। नाज उनके जज्बे को और उनकी इस मेहनत को सलाम करता है। डॉक्टर वंदना लूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इस फलसफे पे चलने वाली इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री की स्नातक बीएड एमएड मैनेजिंग लर्निंग डिसेबिलिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट करने वाली पोडार इंटरनेशनल स्कूल और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर वंदना लूला ने एजुकेशन के फील्ड में आज पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर उनके इस परिश्रम को नाज तहे दिल से सलाम करता है। मुमताज काजी, 20 साल की उम्र में उन्होंने जब एक रेलवे से उन्होंने इतिहास रचा बल्कि पूरी नारी जाति को यह एहसास दिलाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेन्स की एक बेहद उम्दा और तजुर्बेकार भारत के राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित इस जानबाज मोटर वुमन को नाज का सलाम। एहसास की टीम की मेहनत और लगन का नतीजा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और आसपास की गलियों में रहने वाले गरीब बच्चे आज एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस कार्य में आज लखनऊ रेलवे प्रशासन और पुलिस का भी बराबर योगदान है। इस अथक परिश्रम के लिए शाची सिंह को नाज सलाम करता है। अगले चार अचीवर्स की
बीना लक्ष्मी नेत्राम, अहिंसा और शांति की समर्थक, समानता का अधिकार और हथियारों के खिलाफ जंग, ये उनके जीवन का मिशन बन चुका है। बीना लक्ष्मी नेत्राम एक मानवतावादी लेखिका और समाज सुधारक के तौर पर मणिपुर में अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। आज उन्हें द फेस ऑफ एंड वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर शहनाज शेख, अल-मुमिना स्कूल की फाउंडर और ऑनररी प्रिंसिपल डॉक्टर शेख एक MBBS और MD होने के साथ साथ इस्लामिक शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कुरान का इंग्लिश में शब्द दर शब्द अनुवाद किया है, जो आज सभी के इस्तेमाल के लिए मौजूद है। उन्होंने इस्लाम और कुरान के महत्व पर देश और विदेशों में काफी सारे व्याख्यान दिए हैं। उनके इस जज्बे पर नाज को बेहद नाज है। मालती के जब जीवन की शुरुआत ही असाधारण तरीके से हो, ऐसे नाज को उन पे नाज है। हमारा सलाम। बानो हारानी, नागालैंड में हर साल अपनी यात्रा के पड़ाव में आमुर फैल्कन्स का जब लाखों की तादाद में शिकार किया जाता था, शिकारियों को ये नहीं पता था कि इस वजह से कुदरत को कितना नुकसान हो रहा था। बानो जी ने नागालैंड के किसानों को और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया और आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। बानो हारानी जी नॉर्थ नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके इस प्रयास को नाज सलाम करता है। अपने बंदों की खिदमत के लिए
किसी को मुंतखब करता है तो एक छोटे से घर में आंध्र प्रदेश में, और वो भी जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहां पर तौहीद की शमा जलाकर उस माफिया गोश में जब पैदा हुई तो अल्लाह के बंदों ने, इनके माँ बाप ने उसका नाम रखा नोहिरा शेख। यानी नोहिरा का मतलब ही हुआ कि जब चमकेगा वो तो पूरी दुनिया में चमकेगा। और मैं इस अल्लाह की बंदी को जब देखा तो आज मैं कह सकता हूं अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम जहां बैठता है 100 ब्लॉक में, मैंने हिंदुस्तान के 10 प्रेसिडेंट को देखा, 11 प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा, और आज भी मेरा एकता भवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाजू है। वहां पर बैठने के बाद इस अल्लाह की बंदी को, मेरी इस दीनी बहन को देखने के बाद मैं कहता हूं ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। जब अल्लाह किसी से काम लेना चाहता है तो नूरा शेख को पैदा कर देता है, और अल्लाह का फजल है। मुझे यकीन है हिंदुस्तान में मगरिब से लेकर शुमार से लेकर जुनूब तक, और जहां जहां भी अल्लाह की बंदी जाएगी अल्लाह की फतह और नुसरत इनको हासिल रहेगी, क्योंकि ये सरकार मदीना की आशिक है। और मैं कहता हूं जब उनके दामन को जो पकड़ लेता है अल्लाह के हबीब किसी को मायूस नहीं कर सकते। इसलिए इनकी ये खिदमत इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में फैलेंगी, और एक सच्चे उम्मती की हैसियत से इंशाअल्लाह ये बंदगान खुदा की खिदमत करेगी। ये बात हकीकत है कि नूरा शेख को अल्लाह ने दुनिया की दौलत से सरफराज किया, और आपने देखा कि मगरिब से लेकर शाम के 3 घंटे से जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें एक से बढ़कर एक हस्ती को इन्होंने इनाम दिया, एहतराम किया, अवार्ड दिया। तो ये फकीर ज्यादा बेचारी कहती नवाब, अरे नवाब तो आए जाएंगे, हम तो फकीरों की औलाद हैं, हम सूफी और संतों की औलाद हैं, रहे नाम अल्लाह का। तो मैं अपनी दीनी बहन को जब देख रहा था, इसको दौलत से तो मरूद नहीं कर सकता, इसको क्या दूंगा जब अल्लाह ने इसको करोड़ों की दौलत से सरफराज किया है। हाँ, आज ये फकीर ज्यादा चूंकि हैदराबाद की निस्बत है, और अल्लाह के उस कलाम के साथ कि मेरे दिल में आया देना है, इसने तो अपने हाथों से आप तमाम को अवार्ड दिया, लेकिन अल्लाह ने इनके मुकद्दर में एक ऐसी तस्वीर रखी है जिसकी कीमत तो चंद पैसे नहीं हो सकते। हाँ, वो तस्वीर ऐसी है जिस पर लाखों मरतबा अल्लाह का नाम लिया गया है, जिस पर दुरूद और सलात और सलाम पढ़ा गया है। मैं फकीर हूं, गरीब हूं, मैं फकीर हूं, मैं इकरार करता हूं, मैं न रईस हूं, ना मैं अमीर हूं, ना रईस हूं, ना मैं रईस हूं, ना अमीर हूं, ना मैं बादशाह, ना वजीर हूं। तेरे मुस्तफा मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं फकीर हूं। उसी फकीर आज अपनी दीनी बहन को वो तस्वीर पेश करने जा रहा है जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तस्वीर पर हजार मरतबा जिक्र इलाही हुआ है, अल्लाह का जिक्र किया गया है, इस पर दुरूद और सलात और सलाम पेश किया गया है। और मैं समझता हूँ मेरी इस कदमा को बहन के लिए इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह के सलाम के लिए इंशाअल्लाह जान मार इज्जत को आपको हिफाजत फरमाए, और जिस अदम हौसले के साथ ये आगे बढ़ रही है अल्लाह इनको हर तरह से कामयाबी अता फरमाए, ताकि आने वाले रोज जब ये हश्र के मैदान में जाएं तो अल्लाह के हबीब के दरबार में ये पेश करें कि मैं गुनाहगार थी, खताकार थी, लेकिन आपके बंदों को अल्लाह का कलाम पहुंचाती थी, आपके बंदों में प्यार मोहब्बत का दर्द देती थी। यही मेरा खिदमत है और यही मेरी सरमाया हयात है।
is Allah. Gift Jen. Yes. इनका बहुत बड़ा दिल है जब भी देती हैं और कुछ भी जो आपकी फाइनेंशियल जरूरतें हैं. अच्छा लेकिन आपको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तो इनका तोहफा कबूल करना ही पड़ेगा. कविता गुप्ता विन ओवर कैंसर नाम की एनजीओ की शुरुआत करने के बाद उन्होंने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं हर चीले उपायों के चलतराती थी और जीवन भर दर्द सहती रहती थी. उन्होंने एक प्रोस्थेटिक ब्रा का इजाद किया और सबसे बड़ी बात वो इसे हर जरूरतमंद महिला को मुफ्त में दे रही हैं. इस महान निस्वार्थता है वो सिर्फ एक पेंटर ही नहीं बल्कि एक स्कल्प्टर, एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और एक उम्दा इंसान है जिन्होंने बहुत ही कम समय में कई सामाजिक विषयों पर अपनी कला के द्वारा देश और विदेश में अपने नाम का परचम लहराया है. इस बेहतरीन पेंटर, स्कल्प्टर और एक कंप्लीट आर्टिस्ट को नाज का सलाम. श्रीमती शिल्पा वर्मा ग्रामीण इलाकों के और निचले तबकों के बच्चों तक उच्च श्रेणी की शिक्षा को पहुंचाना ही इनका लक्ष्य था. इस कार्य के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत और अथक परिश्रम किया और आज श्री मांगेश एजुकेशन सोसाइटी की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती शिल्पा वर्मा जी इस कार्य में बेहद सफल हुई है. इसी परिश्रम का परिणाम था कि भारत की महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने उनका सम्मान किया. बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अलावा ग्रामीण महिलाओं